लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। देखिए, महाराष्ट्र में जो ओबीसी को स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण मिला था, इस सरकार के कारण वो आरक्षण अभी रद्द हो गया है, कैंसिल हो गया है, निरस्त हो गया है। मूल रूप से इस सरकार के आने के बाद 13 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि 2010 का के कृष्णमूर्ति का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, उस जजमेंट को लेटर एंड स्पिरिट में आप इम्प्लीमेंट कीजिए और हमको उसका कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए। 15 महीनों तक राज्य की सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और फिर मात्र एक रिपोर्ट राज्य की सरकार ने दाखिल किया, जिसमें उन्होंने कहा, एक एफिडेविट, कि हाँ, हम मानते हैं कि कुछ जिलों में 50% से ज़्यादा यह आरक्षण चला गया है। और उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया और कहा के कृष्णमूर्ति के जजमेंट के अनुसार कार्रवाई करने को कहा था, आपने नहीं किए। उसके बाद मैं बारंबार सरकार को कह रहा था कि हमको बैकवर्ड क्लास कमीशन तैयार करना चाहिए, एम्पिरिकल डाटा तैयार करना चाहिए और इसको जस्टिफाई करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट में हम बैठेंगे। सरकार ने नहीं किया, सरकार रिव्यू पिटीशन में गई, रिव्यू पिटीशन भी सरकार की खारिज हो गई है। और अब हमारी मांग यह है, इस सरकार के कारण ओबीसी का आरक्षण गया है, अभी सरकार ने तुरंत मागास्वर्ग आयोग गठित करना चाहिए और तुरंत इस सरकार ने इसकी कार्रवाई पूरी करके हमारे ओबीसी को आरक्षण बहाल करना चाहिए। ये है बाबा। और जांच जो है वो शुरू कर दी गई है, लेकिन मंत्री का कहना है कि केवल राजनीतिक तौर पर मुझे बदनाम करने के इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये जो सारे आरोप लगे हैं, ये उन्हीं के खाते के लोगों ने लगाए हुए हैं और अब इसके ऊपर पुलिस जांच कर रही है। हम इस पर नजर रखे हैं, क्या पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, इस पर हमारी नजर है। हम पुलिस की जांच पर नजर रखते हुए उचित समय पर इसमें इंटरवीन करेंगे और अगर जहां ध्यान में आता है कि पुलिस उनको दबा रही है, इस केस को दबा रही है, तो ऐसे समय निश्चित रूप से हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लास्ट, देखिए, एक उपलब्धि में उसको समेटा नहीं जा सकता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, जिस प्रकार से पिछले 7 सालों में भारत ने प्रगति की है और गरीब कल्याण का जो एजेंडा इस देश में चला है, वो महत्वपूर्ण है।